देखिए पंचायत चुनाव एकदम शेड्यूल पे होना चाहिए, मेरा ये मानना है। लोकतंत्र की स्थापना में एक घंटा भी विलंब नहीं करना चाहिए। जिस तरह लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव होता है, उसी तरह पंचायतों का भी चुनाव होना चाहिए। हम तो तैयार हैं, हम सारी व्यवस्था देते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग इसको देखता है, क्योंकि ईवीएम से इस बार बिहार में चुनाव होने हैं, तो इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और उन दोनों की वार्ता चल रही है। जैसे क्लियरेंस होगी हम पूरी तरह तैयार हैं। हम जिस तरह विधानसभा चुनाव कराकर पूरी सेफली आए हैं, हम उसी तरह पूरी व्यवस्था करेंगे कि पंचायत के भी चुनाव पूरी तरह सेफली बिहार के लोग देखने का काम करें। किस तरह की तैयारी सर आप लोगों के तरफ से है? पूरी तरह देखिए प्रशासनिक तौर पर हम लोग पिछले 6 महीने से इस पर काम प्रशासन कर रहा है। सारे चीज़ों को ईवीएम से लेकर सारे चीज़ों की व्यवस्था की जा रही है, और स्वाभाविक है जिस तरह सैनिटाइजेशन का काम करना है, जिस तरह विधानसभा के चुनाव में इन चीज़ों की प्रक्रिया पूरी की गई है, हम उसी मानक पर सारे चीज़ों को पंचायत के चुनाव में भी करेंगे। आपने एक मुख्य बातें कही कि जो गांव गांव पहुंचते हैं, अन्य राज्यों से भी पहुंचते हैं, और कोरोना की महामारी है इसलिए सीसी कैमरा की भी आप लोग व्यवस्था कर रही है, उस योजना कब तक पूरी हो जाएगी सर गांव में? देखिए अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, ये 2021-22 में हम शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि लगभग 39,000 गाँव है बिहार में और 8,000 से अधिक पंचायतें हैं अभी हमारे पास। तो हम लोगों ने टारगेट किया कि पहले पंचायत केंद्र को पूरी तरह व्यवस्थित करें। पंचायत सरकार भवन के लिए हमने अलग यूनिट्स खड़े किए हैं, लेकिन गांव, क्योंकि मूलतः जो बड़ा गांव होगा उसकी हम शुरुआत करेंगे सभी पंचायतों में, और ये हम जरूर आश्वस्त करेंगे, ये जो 5 वर्ष जो पंचायत प्रतिनिधि जीत कर आएंगे, तो हमारी ये कल्पना है कि हम अगले 5 वर्ष में पूरी तरह पूरा गाँव CCTV से कैमरे में युक्त होंगे। आपने कहा नल जल योजना के तहत जिस गांव में अगर देखा जाएगा कि नल से पानी नहीं गिरा, उसे उस प्रतिनिधि को चुनाव से वंचित होना पड़ेगा, उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? देखिए इसके लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, DPRO और प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि जिस भी नल से पानी नहीं गिरता हो उसको एक कॉल अटेंशन का एक पत्र दीजिए उस मुखिया को, वो उस वार्ड कमिश्नर को, और 15 दिनों में यदि वो पूरा नहीं काम को चालू नहीं कराते हैं तो ऐसे परिस्थिति में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की, और प्राथमिकी दर्ज करने के बाद आप जानते हैं कार्रवाई दूसरी होती है। तो इसलिए बड़ा स्पष्ट है कि हम कार्रवाई करेंगे, उसमें कोई संकोच नहीं। बिहार के जनता को शुद्ध पेयजल मिले ये पूरी कल्पना है सरकार की, इसमें कोई बर्बाद नहीं, कोई चिंता नहीं कर सकते हैं। कोई आदमी होगा, आप लोग भी यदि कॉल अटेंशन हम लोगों का करेंगे कि किसी पंचायत में पानी नहीं गिर रहा है, तो हम लोग शीघ्र कार्रवाई करेंगे। सर सर आप गांव की सफाई की बात कर रहे थे, सर गांव में मुख्य समस्या है पानी निकासी की, नाला का सफाई करता है और जो सरकारी जमीन है उसको भी लोग पकड़ के रखे हुए हैं, तो सर पानी निकासी की बात समस्या सर कैसे निपटनी पड़ेगी? देखिए हमने आपने दो बात रखा, एक कचरा प्रबंधन एक व्यवस्था अलग है और नाला एक अलग प्रबंधन है। नाला का प्रबंधन क्योंकि वो की योजना के माध्यम से करना है। अभी हमने दो चीज़, एक चीज़ बताया आपको कि हम कचरा का प्रबंधन कर रहे हैं कि जो कचरा है इसको हम एक किस तरह प्रोसेसिंग यूनिट हो सकता है गांव में, इसके लिए एक छोटे स्तर पर हमने कहा कि एक सफाई कर्मचारी वहां बहाल करेंगे जिससे कि कोई रुकावट नहीं है। अब जहाँ मेजर चीज़ है, जहाँ कब्जा किसी ने ज़मीन का किया है, तो वो सर्वे का काम चल रहा है आपको राजस्व विभाग के द्वारा। अगले 1 साल में हम आपको आश्वस्त करते हैं ऐसा कोई जिला नहीं होगा जिस जिले में 10,000 एकड़ जमीन सरकार को उद्योग लगाने के लिए, अदर इंडस्ट्रीज खड़ा करने के लिए, अदर फैसिलिटी खड़ा करने के लिए, सब जगह जमीन मिलने जा रहा, क्योंकि जमीन हम ही लोगों में से कोई व्यक्ति जिसने अपने घर के सामने के जमीन को घेर के रखा है, जो आप कह रहे हैं उन चीज़ों के सारे प्रोसेस चल रहे हैं, सारे नक्शा उसके बनाए जा रहे हैं। जो सरकार का जमीन है वो कभी भी किसी भी कीमत पर किसी दूसरे का नहीं हो सकता,
और मठ के भी जो जमीन है, जो धार्मिक स्थल के भी जमीन है, जो हमारे यहाँ सरकार में रजिस्टर्ड है, उसके जमीन को भी बेचा होगा किसी ने 1952 से, वो जमीन सरकार को वापस हो जाए। इसलिए सरकार के पास पर्याप्त जमीन होगा आगे के दिनों में। एक एक हम लोग तो खुद बता रहे हैं, एक विधायक के तौर पर हम जब एक पॉलिटेक्निक कॉलेज अपने क्षेत्र में स्थापित कर रहे थे तो जमीन 5 एकड़ नहीं मिला पूरे विधानसभा, जबकि दो दो ब्लॉक्स हैं, बड़े ब्लॉक्स हैं, लगभग 40 पंचायतें हैं। लेकिन आज जब प्रोसेस शुरू हुआ तो हजारों एकड़ उसी ब्लॉक्स में दिखने लगे हैं। इसलिए आप देखेंगे आगे के दिनों में जिनके पास जमीन है, जिनका जमीन है, उसको पूरी तरह मैं कहता हूं कि उनके जमीन सुरक्षित होंगे। लेकिन यदि सरकार का किसी ने जमीन रखा है तो वो सरकार को वापस होना है।